Got death threats and all that. Death threat है ऐसे एक एक आदमी दिखाई देगा तुम यहाँ पे थोड़ा सा दर्द होता है छाती पे <laughs> अभी भी होता है मैं बॉम्ब uh, करते हक के आता हूँ तो मैं दूर से ऑडियंस को दिखता नहीं एंड hmm. <laughs> मेरी जो आवाज है

At the same time, I flip it to perceive this as a power also. Hmm. But yeah, do I wish I could have been, you know, that, that, that in an ideal circumstances? Yes. Hmm. Do I am I glad that I'm not? Maybe yes. Hmm. So you gotta wing it what you have. Hmm. It works out for me. How much time did it take? Like, is, is it a journey or like, I think it's a journey. It's a journey. It's a journey. Now it doesn't feel bad. Hmm. If someone says

We'll start with, so I'll give you a context a little bit. So this podcast is basically talking about you, what mm -hmm. you are doing, and what are your aspirations with the comedy, and what have you learned so far doing this comedy. Yeah. Okay. So first, we'll start with why comedy. Why comedy? Um, I like making people laugh, and since my childhood, hmm. you know, um, I was the class clown, okay. which is like 90% comedians' same story कि उससे मेरे को अटेंशन मिलता था एंड आई बिकेम गुड एट इट आई बचपन में कॉमेडी मेरे लिए मिमिक्री थी या yeah. इसकी उसकी बेस थी आई वॉज गुड विद ऑब्जर्वेशन ऑल्सो सो मुझे इससे बहुत अटेंशन मिलने लग गया yeah. ये टेंथ से चालू हुआ वो एक आता था देवानंद की मिमिक्री करता था मैं क्लास में अरे या ऐसा करता था ओ भाई लड़कियां ये सुना दे वो सुना दे मुझे लगा दिस इज माय गेटवे टू यू नो इट इज नेवर अ गेटवे बाय द वे इट्स लाइक कि तू yeah. मेरे बॉयफ्रेंड के साथ में आऊंगी तो सुना चलो ah, हाँ, आप सुना यू नो ये एंटरटेन कर दे एंड ऑल दैट सम हाउ आई आई बिकेम कॉन्फिडेंट आई वाज जस्ट रोस्टिंग पीपल लेफ्ट राइट एंड सेंटर गुंडों से दोस्ती होगी मेरी स्कूल uh -huh. में जब पहले मैं पिटता था uh -huh. फिर मेरा पिटना बंद हो गया ये क्योंकि आई वाज फनी सो आई वाज एंटरटेनिंग ऑल द गुंडाज़

थोड़ा सा मैं वहां पे जाके दोस्त लोग बहुत कुछ सुना दे तो दोस्त लोग बैठते थे तो मैं इसकी मिमिक्री उसकी मेमिक्री न्यूज पढ़ के सुना रहा हूँ चूंकि आप न्यूज खुद से बोल दे बोल <laughs> दे रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने मेमिक्री की थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की एंड देन देवानंद एक शो आता था सुहेब इल्यासी का अच्छा अपराधी वो क्या क्रिमिनल्स पकड़ता था वो ठीक है तो वो कुछ दिन ही आया था लेकिन हम सब डीडी डी वन था हमारे घर में तो वो इतना फेमस था तब तो फिर मैंने अपने दोस्तों को अपराधी बना के इनके बारे में नकली स्टोरीज बना के स्टोरी को सुना रहा हूं uh. एक दो गुंडों से पिटा भी बट दे लाइक सो ऐसे करते करते कॉलेज स्कूल कॉलेज में भी बिकॉज स्टडीज आई वॉज एवरेज एवरेज टाइप बट नो बडी नोटिसमिक ऐसी then, uh, कुछ भी करने चीफ तब मैं पावर सेक्टर में काम करता उन्होंने बोला था कृष्ण गिफ्ट तो अब ये जो गिफ्ट वाली बात है ये संगला हर जगह कि भगवान ने आपको कुछ दिया है uh. मैं भी सोचता भगवान ने तुमको सभी को कुछ दिया है तो दुनिया स्ट्रगल क्यों कर रही है <laughs>

एंड बिश्वा की कॉमेडी ने मुझे आज भी इतनी इंस्पायर मतलब करती है मैं बीच बीच में देखता हूँ जिवेश वाल मुझे बहुत पसंद वाल, वाल मानिक, आ, माना। मानिक तो मेरे को पता नहीं था तब मानिक हाँ। मानिक वॉज नॉट ऑनलाइन आई सॉ हिम लाइव एंड आई वॉज लाइक द रूफ लाइक like, हाँ। क्या बंदा है यार एंड हाँ। uh, तो अलग ही लेवल का तो बट तब मुझे स्टैंड अप सीन में कुछ पता नहीं था पहली बार स्टैंड अप देखने गया मैनहेटन न्यूयॉर्क नहीं <laughs> हमने जो नकली मैनेजर बना बनाया मैं वहाँ स्टैंड अप देखने गया तो वहाँ मैंने आकाश गुप्ता को देखा एंड ही डिस्ट्रॉयड इट अंगद आकाश गुप्ता कार्तिक कुमार ये लोग थे अंगद सिंह रानियाल हाँ सो सच अ फनी गाय वेरी फनी गाय एंड सी तब होता था तो मजा आ गया था मेरे को तो मेरे दोस्त बोलते देख ये तू कर सकता है

फनीस्ट बिकॉज अराउंड कॉर्पोरेट जॉब जॉब एक्टली एंड इट्स नॉट आ जॉब टू बी फनी बाय द रूल ऑफ एलिमिनेशन मैं फनी था बट हाँ. मैं कभी फनी लोगों के साथ नहीं था मतलब यू नो कम

और वो हाँ. तब उस लाइनअप में तब वही फेमस थे तो uh, मैं गया मतलब पहले मुझसे लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो ये तो मैं भी कर दूँगा मैं गया स्टेज पे कुछ हैक लाइंस बोली मैंने उस पर थोड़ा मोड़ा लाफ आया उसके बाद मौत <laughs> बॉम्ब बॉम्ब बेसिकली हाँ, कम हाँ, कॉमेडी हाँ, में बोलते हैं व्हेन व्हेन वी एंड देयर इज नो लाफ सन्नाटा और वो वाला तो उसको बॉम्ब बोलते हैं सो एंड बॉम्बिंग जो होती है ना ट्रांसेंस तुमको एक एक आदमी दिखाई देगा तब ना यहाँ पे थोड़ा सा दर्द होता है छाती पे <laughs> अभी भी होता है मैं बॉम्ब हक कभी भी आ, अभी भी अभी दर्द होता है, तो मतलब है। तो हो, रियलिटी पता चला और मैं पूरा आगे का शो दुखी ही बैठा है। ये तो लोड़े लग गए क्या होगा अब तो उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया टिक बॉक्स Then I teams and फिर हाँ। hmm. Not 30 avenue, अभी है नहीं पता नहीं। uh, उसको, उस माइक को बोलते थे स्पीक इजी बड़ा डिफिकल्ट रूम होता था वहां पर जाके मेरा किल हो गया बढ़िया कुछ जोक्स में प्रॉपरली लिख के गया था Confidence आया Confidence आया बढ़िया किलवा गर्व गर्व मलिक मलिक मतलब uh, मैं मानता कि के साथ जिसको है, उसको में है <laughs> <He's>, <laughs> that, हमारे, सीन का, dravind, haan, हमारे सीन का राहुल द्रविड बोल सकते हैं आई मेट विजय यादव अमर सुधी शिवम लखनपाल ये मेरे पहले फ्रेंड्स थे कॉमेडी में

यू नो नाउ आई लुक बैक एंड सी क्या बकवास क्या 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 करा वीडियो पे डाल दी उस पे हजार दो हजार व्यूज आ गए नीचे कमेंट कर दिया लोगों ने मैं भगवान मैं इसी के लिए बनाऊं फिर मैंने जब देख दो मैंने ओपन माइक कि भाई पहले सबसे पहले तो ये वीडियो हटाओ <laughs> 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 तो उसके बाद देन आई स्टार्टेड गेटिंग लव्स यू नो फ्यू कॉमिक्स रीच्ड आउट टू मी इसके बाद से देन आई वाज रेगुलर बट देन ऑफिस वर्क टू कोवर

बट एम्बिशन पे एक्शन नहीं है एम्बिशन पे एक्शन करने में मौत आती है हाँ। ah. तो मेरे को बहुत पुश करना पड़ता है खुद को भाई आई एम इनहेरेंटली लेजी पर्सन आई यू वर्किंग टुवर्ड्स लाइक कॉन्शियसली टुवर्ड्स इट यस विच टायर्स मी अलॉट बट देयर इज देयर इज नो वे आउट राइट यू गॉट टू वर्क हार्ड आई मीन यू कांट स्किप दैट पार्ट राइट एंड वॉट कुड बी समिंग्स दैट यू आर कॉन्शियसली डूइंग लाइक

19, 20 साल की उम्र से आज तक सेल्फ हेल्प बुक्स ही पढ़े जा रहे हैं जो मैंने बोला था अभी भी स्केड्यूलिंग mm. के बारे में सब पता है मुझे क्या करना है किस बारे में क्या करना है इस दिमाग में इतने ऑपरेटिंग सिस्टम फिट विकिपीडिया लिख दू मैं लेकिन एक्शन झांट भर के नहीं हो <laughs> तो अस ब्रो अस आई मीन आई थिंक इट्स इट्स मेरा कुछ ज्यादा ही है huh. क्योंकि मेरे को ज्ञान इतना ज्यादा हो गया उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ गया मेरा hmm. इस पर भी मैंने एक बुक पढ़ ली आर्ट ऑफ वॉर

थ्री दो थ्री मोर मोट इम्पॉटेंट हाँ तो मैं पाँच मिनट वर्कआउट करता हूँ पाँच मिनट वर्कआउट डेली पाँच उससे ज्यादा नहीं करूँगा नहीं इट सेंस मतलब आई फील इफ इट्स वर्किंग आउट फॉर यू इवन फाइव डू फिफ्टीन मिनट्स कि पाँच पुशअप करे चार बार सिट्स करे हो गया हाँ मेरा भी यही है कि उससे मेरे बॉडी में कोई फर्क पड़े ना पड़े आई थिंक कंसिस्टेंसी एक है कि मैं एटलीस्ट हार्ट अटैक से नहीं मरूंगा अभी ट्रू है ना ट्रू एटलीस्ट

और ऐसे लूप्स में पड़ा हूँ जहाँ कि मैंने कुत्ते की तरह मैं डेढ़ सौ दो सौ पुशअप पहन लिया फिर अगला सात दिन कुछ नहीं आया फिर ब्रेन ट्रिक्स यू ना कि फिर बीच में मैं लिखने में बहुत ज़्यादा आलसी हूँ मेरे को आई हैव अटेंशन डेफिशिट डिसऑर्डर मतलब मैंने अभी एक नया टर्म सुना था इफ यू हर्ड अबाउट पॉपकॉर्न ब्रेन

<laughs> और और मैं कोई कोई टर्म डाल के आई 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 गेट अवे बट दिस दिस सो सो मतलब आर पीपल पीपल डूइंग डोंट बी कॉल्ड आउट थिंक द मीन यू वर्क राइट इट जस्ट अ न्यू फेस ऑफ कार्ड बोथ तुमको तुमने अगर चीज करी है जिसके hmm. account, hmm. no? hmm. hmm. ये ये देखते रहते हैं <laughs>

Per se, so I I've seen you like in new habits that you are doing. So I saw that you are you came with a notebook and a pen. Hmm. What is that about? See, uh, I was never a writing comedian and all that. That's why maybe I am not in a position that I ideally should have been. Again, I'll rephrase it. Is writing important for a comedian or I any person? So. Per se, I think so. For most hmm. of us, I mean, I have seen comedians who do not write and who are geniuses. I'm not taking any names, hmm. but I have seen comedians who are. Uh, not very talented or not very blessed with you know generic humor, humor, wala. but they're in the comedy, but they have worked hard so much and they have written so much, they have put themselves through pain over the years. They have become very good with their craft just because they put in the work while writing. Because writing is painful, it hmm. is fucking painful. Can I compare it to let's say I'll give a very

फनी नहीं जिसके पास कुछ बात करने को है नहीं उसको आप कॉमेडियन बना दो प्रैक्टिस कर वो होने होने था। था। वो नहीं हो सकता मुझे नहीं लगता

उससे मेरे को कुछ हुआ बट यू नो इफ 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 यू रीड देन तुमको नए सोच मैं तो देखा है मेरे को सोचने का तरीका मिल जाता है आई फील हैप्पी देन एक नए यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं hmm. बट उसका क्या बस पता है तुमको ये है hmm. क्या यू यू विल विल बी लॉस्ट देयर इफ बी लॉस्ट देयर बीइंग लॉस्ट इज गुड फॉर क्रिएटिविटी एंड आई थिंक थोड़ा लॉस्ट होना भी चाहिए बट hmm. देन वहाँ से कुछ क्रक्स निकालना हो या तो फिर तुम्हारे थिंकिंग को चैलेंज करना हो उसके लिए मुझे लगता है राइटिंग बहुत ज़रूरी है ओके एंड आई आई थिंक आई हैव नेवर बीन अ राइटिंग राइटिंग कमेडियन बट अंदर से मेरे को हंस चाहता था कि आई शुड बी बिकॉज जो हायर कॉन्शियसनेस है क्रिएटिविटी का और यू you नो know, जो आ रहा है तुम्हारे उसके बीच का जो प्रोसेस है जो पेनफुल राइटिंग वे यू गेट एक्सेस टू दोज You know, and hmm. वो जो तुम्हारे अनकॉन्शियस में हैं hmm. उनको निकालने के लिए राइटिंग बहुत जरूरी है एंड रिहर्सिंग नॉट जस्ट जोक्सम जॉब एज वेल यू हैव देन यू आर डूइंगी डू यू थिंक लाइक सो फॉर मी आई ऑल्सो इन अ क्रिएटिव फिल्ड आई एम ऑल्सो डिजाइनर आई एमिंग ऑल्सो कॉर्पोरेट जॉब डू यू थिंक दट कॉर्पोरेट जॉब किल्स योर क्रिएटिविटी सम हाउ मतलब दैट

बिकॉज यू कॉन्ट बी क्रिएटिव लाइक ट्वेंटी फोर आवर्स इन अ डे राइट इवन ले आप क्रिएटिव फील्ड में ही हो चलो मान लीजिए आप क्रिएटिव आपका सारा काम क्रिएटिविटी का एडिटिंग के लिए तो बैठोगे ट्रू huh, शेड्यूलिंग के लिए तो बैठोगे राइट hmm. right? वो जो आपका क्रिएटिव काम है उसको वेन यू नो उसका जो मैनिफेस्टेशन है ऑनलाइन हो जैसा भी हो दैट प्रोसेस इज नॉट क्रिएटिव दैटी ऑपरेशनल प्रोसेस कर तो रहे हो ना ट्रू hmm. है ना दैट्स hmm. इट Hmm. एक जॉब में वो जो ऑपरेशनल वाला है वो ज़्यादा है बट जॉब ऑल्सो गिव्स यू क्रिएटिविटी का स्कोप अब उस क्रिएटिविटी को आप कैसे बेच रहे हो वो आपके ऊपर है दैट दैट मेक्स मेक्स कंप्लीट सेंस बिकॉज आई फील कि हाँ नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट लाइक क्रिएटिविटी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट होल प्रोसेस दैट यू आर डूइंग बट पीपल सेंटर इट लाइक कि क्रिएटिविटी इज द ओनली थिंग दैट इज़ फ्यूलिंग इट यार जो <laughs> थोड़ा बंद मैं जो देगा जो बंदा थोड़ा सा भी क्रिएटिव है ना मैं क्रिएटिव hmm. मुझे लगता है हर कोई है एवरी लाइक एज ह्यूमन बींग्स वी हैव सरवाइव दिसल इतना बिकॉज वी आर इंटेलिजेंट वी वी आर क्रिएटिव कुत्ता क्रिएटिव नहीं हो सकता <laughs> है ना उसको वो प्रोग्रामड है एंड वो क्रिएटिव हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी सबको hmm. है ना तो आ, हम हो सकते हैं hmm. और मेरी कुत्ता अलग डायमेंशन एक्सेस कर रहा हूँ जो हमारे पास नहीं है hmm. हम तो थ्री डी में जी रहे हैं उसके वो जो भूत देख के वो करता है मे भी वो उसकी क्रिएटिविटी है हमको क्या पता बट मुझे तो लगता है वर्क एथिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिएटिविटी का जो हम ये रोना रोते रहते हैं उसके स्टैक अब चीजें करो तो एथिक के ऊपर आएगा अदरवाइज हाँ। कौन देख रहा है आपकी क्रिएटिविटी यार सही बात है yeah, हाँ। हाँ। बात है ना क्रिएटिव बातें आप लेट है <laughs> किसको क्या पता चल रहा है क्या क्रिएटिव हाँ। yeah, nah? आपने बोला कुत्ता भूत को देख के भोंगता है भूतों में बिलीव करते हो हाँ यार है हाँ, हाँ। कुछ बताओ यार भूतों में मैं इसलिए बिलीव करता हूँ कि जब भी मैं शमशान या इसके पास से गुजरा मेरी गांठ तो फटती है वो तो डर हो गया ना हाँ वो तो डर हो गया ना और मेरे हाँ वो भी है पॉइंट यू गॉट मी ऑफ गार्ड नाउ मैं पता <laughs> नहीं क्यों बिलीव करता हूँ भूतो मुझे लगता है भूत क्योंकि है। मैं बताता हूँ कि मेरे को भी शमशान वाला डर लगता है बट आई आई फिगेट दिस वे क्योंकि ना मैं जिस कॉलेज में था मेटी नोएडा उसके बारे में फेमस है वो बना शमशान घाट पर है

हवन होता रहता है ट्वेंटी फोर आवर्स उसपे वो जलती रहती है जस्ट बिकॉज क्योंकि वो इक्वलाइज करने के लिए दे आर डूइंग दिस सो पीपल डू बिलीव इन दैट लाइक इंस्टीट्यूशन लाइक एम टी ऑल्सो इन इन सच अ थिंग यू नो वॉट जब मैं कोलकाता में था तो वहाँ पे तो कॉमन तब कॉमन मैं इसीलिए इसीलिए मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज यू आर फ्रॉम असम एंड इस साइड पे आई फील थोड़ा सा अबाउट दीज एनर्जीज इज इज आई वुड से practiced और I would not yeah. say celebrated, <laughs> practiced maybe. Yeah. Or is it a uh, stereotype? You can break it for me. I think uh, जहाँ capitalism है वहाँ भूत नहीं है। शमशान पे real है। You getting my uh, point? People are so engaged in making money, EMIs and constructing. Uh, <laughs> भूतों के लिए time ही नहीं है उनके पास। वो uh, uh, उनके दिमाग के। They like fuck it, मेरे account <laughs> में करोड़ों कर पे आ रहा है। I have. जहाँ capitalism नहीं वहाँ भूत ही भूत है। क्योंकि वहाँ फिर पहुंचे नहीं सारी चीजें एंड देन पीपल पीपल हैव टू बिलीव इन अ हायर पावर तो जहाँ कैपिटलिज्म है वहाँ ये लोग इलोमनाती की बातें करते रहते हैं hmm. और हम गांव वालों के लिए इलोमनाती इस भूत hmm. मेरे गांव में तो बहुत भूत के हैं यार एक ना थर्टी फर्स्ट की नाइट को ना एक बार क्या हुआ कि मेरे गाँव में भला एक पहाड़ है पहाड़ क्रॉस करो तो फिर मतलब आसाम मेघालय का बॉर्डर तो उस पहाड़ को क्रॉस कर करके आप मेघालय पहुंच सकते गाँव का नाम गाँव का नाम इज आम सिंह जोरावटिंग जोरावट जोरावट इट्स अ प्लेस इन गुहाटी तो uh, जैसे बुराड़ी नहीं हो गया हाँ हाँ। वैसे ही वो हमारा बुराड़ी एंड पॉइंट लाइक क्या गुवाहाटी में जाते रहो जाते रहो जाते रहो रह, एक जगह आएगी वहाँ मानवता खत्म हो जाएगी फिर वहाँ आर्मी कैंटोनमेंट आएगा उसके बाद मेरा गांव आएगा ठीक है तो इट्स सैंडविच बिटवीन एन आर्मी कैंटोनमेंट और साइड से जस्ट एक ये है तो अब क्या हुआ थर्टी फर्स्ट की रात को उससे पहले ना किसी लड़के का मर्डर हो गया था दारू पी के वी चार लड़के पार्टी कर रहे थे किसी ने वो तोड़ के वही घुसा दिया उसको रॉयल स्टैक से मरा है वो बैस की आँख महंगी दारू से तो मरता थोड़ा नहीं नहीं और वो जहाँ पे उसने डाला ना वो लीवर में ही घुसा था कि अगर केमिकल रिएक्शन से नहीं मर रहे तो <laughs> फिजिक्स से मर रहे सो सॉरी ब्रो तो मर गया मरने के बाद चार दिन बाद ना थर्टी फर्स्ट की पार्टी कर रहे हैं लेकिन एक रूम में ताला लगा हुआ था उसके अंदर से आवाज आ रही है मेरे को निकालो मुझे पार्टी करना है और जो बंदा मरा उसकी आवाज थी वो किसने 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 सुना ये ये गाँव वालों ने सुना जो हाँ। ड्रंक नहीं थे अच्छा अंकल ये सब हाँ। कुछ कुछ अंकल नहीं होता जो ड्रंक नहीं होता लेकिन डेटा लेते रहते हैं बाहर कौन किसका लड़का पिया उसका लड़का पिया है का बेटा बेवड़ा है uh. लेकिन इसका लड़का ही कर रहा है उसका लड़का वो uh. कर रहा है, तो फटली सबकी सुबह में गया मैंने भी मैं प्रोग्राम ये, हो। ये की जैसे शमशान में जाऊंगा यहाँ पे कुछ ना कुछ होता है सो माई ब्रेन की पत्ता भी हिला ना तो मेरे को भूत चल के दिस इज दिस इज कॉल पैटर्न रिक्शन का कुछ बायस होता है क्लाउड में बहुत लोगों जीजस दिख जाता है कि ये वैसा है तो दिमाग में अगर कुछ है और तो, वैसा दिखा तो वो जोड़ देता है फिर दिमाग के है नहीं है। हाँ, ने सुना फिर फिर दिमाग है ने सुना क्या भाई उसके खुद के दोस्त मजे ले रहे हैं वो तो उसके बाद मेरी फटी तब थोड़ी फर्स्ट जनवरी का ठंड का दिन और तब प्री ग्लोबल वार्मिंग तब यू नो तब ठंडी और मैं बाथरूम में जाने को रेडी नहीं हो रहा मैं मेरे घर में कुआ है।, है तो मैं के साथ में नहाया मैं बाथरूम गया ही नहीं तो मेरी तो पड़ा। पड़ा शरीफों की था नौ सो जा रहा हूं दो तीन दिन की भाई है। है। इसकी आत्मा आ जाएगी भाई जानता भी नहीं हूँ स्कूल में जाके लड़कों को सुना रहा हूँ वो अलग डर रहे हैं Mm. और मैं सुनाता था, था वो अलग डर रहे हैं एंड 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 ऑल ऑल दैट हमारा आसाम पैटर्न घर में में क्या क्या होता बाहर होता है ठीक है है बाथरूम बाहर ठीक ना तो एक, कुछ रात रात पहले हुआ कि यू नो माय फादर अप फॉर पीइंग द एक और बजे को उस जमाने में, काफी mm. रात एंड अभी लोग फिर भी और पिंग प्रेशर आ जाता है ना बीच बीच में हाँ। तो मैं उठा मैंने देखा बाहर आवाज आ रही है एक आदमी ऊपर बढ़ा रहा है मैंने बोला भूत आ गया मैंने देखा साइड में डंडा लिया एक टैक टैक करके मैं गया मैं बोला अब मैं ये सोच रहा हूँ मैं मन में ये सोच भूत को डंडे से मारूंगा <laughs> तो डंडा बोल पास थ्रू बिकॉज भूत बट है तो चुल क्योंकि अगर मैंने नहीं मारा तो भूत मुझे मार देगा ठीक है तो डंडा ऐसे खींच के फॉलो थ्रू लिया जैसे ही मुंह किया वो डंडा कट करके कि मेरे घर में पिलर्स हैं है। पिलर्स पे डंडा लग गया हां कि मेरे को रात को पिलर दिखाई नहीं दे रहा ना टाक करके वो मेरे पापा थे पापा पापा को लगा मैं भूत तो मेरे को लगा पापा <laughs> <laughs> मम्मी अलग खौफ कर रही है उठ के क्या हुआ <laughs> ये बाप बेटे के बीच में मेटाफिजिकल <laughs> <laughs> तो So, ये कुछ दिन चला, तो yeah. उसके बाद फिर बट uh, uh, मैं, मैं, था। 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 मैं बहुत डरपोक आदमी भी हूं uh, मतलब <laughs> uh, किसी भी चीज को कि, uh, कि अरे मेरे को मैंने जो वीडियो निकाली थी मोइथ वाली जो, वो uh, जो, जो भी, रील बहुत वायरल हो गई थी पहली बार आई गॉट डेथ थ्रेट ऐसे ऐसा गांड में गोली मारेंगे साला तुम लोग कॉमेडियन लोग पहले रिलीजन को पकड़े अभी इसको पकड़े अब भाषा पे मारोगे uh. मैं शाउट तो आउट ही दे रहा था भाई मैं तो तारीफ uh. कर रहा था बट आई वाज मैन बिकॉज यू नो एनी हाँ गुड़गांव <laughs> <laughs> so, वाले नहीं आ रहे uh. थे वहां से रील बट आई वाज स्केर पीपल वर लविंग इट एज वेल बट ज्यादातर वेरी स्केर मैंने कमेडियन को फोन करा एक वो कि नहीं इट वो कह फिर मैंने पुलिस को फोन करा व्हाट इफ समबडी फाइल्स अ केस ऑन मी शिट लॉट ऑफ क्रेजी पीपल आउट देयर मैन नथिंग कुछ मिला सपोर्ट पुलिस से हां मतलब बोला कि yeah, ये yeah. कोई वो नहीं है अगर नो ग्राउंड्स देयर इज नो ग्राउंड्स एंड इफ देयर इज देयर इज अ प्रॉपर लीगल वे लाइक पीपल कांट पिक यू फ्रॉम होम यू कैन सेंड अ रिप्रेजेंटेटिव एज़ वेल एंड आई डिडंट से एनीथिंग व्हिच वाज प्रोवोकेटिव राइट Just how important I, I I want to dwell into a little bit of storytelling because I like that you mentioned that I'm good at storytelling. So first of all, how important is storytelling? Second of all, I want to compliment you on that when you are narrating a story, like when you are doing this Bhutwala story also, then you're telling me, there's a natural voice modulation that you do.

सेक्टर एवरी आप अगर ना स्टोरी जो आप बताने की कोशिश करें आप एक चार्ट पे दिखा दो ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्टोरी इज स्टोरी ट्रांसेंड्स लैंग्वेज स्टोरी ट्रांसेंड्स बैरियर्स जरूरी नहीं है कि आप यू you नो know, बात करके स्टोरी बोल रहे हो आप ग्राफिक्स के थ्रू भी स्टोरी दिखा सकते हो hmm. आप एक्सेल पे स्टोरी दिखा सकते हो आई हैव डन दैट एंड अनकॉन्शियस तुक्के में हो गया था बट बहुत अच्छा हुआ था Hmm. तो तुक्के में हुआ था वो कुछ नहीं बस तुक्के से हो गया देन आई रियलाइज किया कितनी इंपॉर्टेंट चीज है hmm. बट आप जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे ना रोहित क्या बोल रहे जबरदस्ती स्टोरी टेलिंग की कोशिश करोगे यू नो ट्राइंग मैन्युफैक्चर एंड ऑल दैट आउट ऑफ नो वे आउट ऑफ दैट ट्रांसेंस पीपल आर स्मार्ट डीप कॉल आउट ऑन योर बुलश I feel uh, with Zakir Khan, I was telling you also that I was hey, watching he's him. He's such an amazing storyteller. He's amazing storyteller. I watched, so I'll tell you, in 22, uh, my dad passed away. Oh, I'm so and sorry about that. And uske that, Zakir released Tadhastu. Oh, I watched Tadhastu and I was in tears. I was like, bro, this guy has touched so many levels of me. Hmm. And inside that were locked away. And I would say this, people uh, people do it very often on लाइक कॉमेंट्स ऑल्सो एट मतलब मैंने देखा है इवन फॉर तन में बट एंड ऑल दिस कॉमेंट्स कॉमेंट्स पड़ता है बट कई लोग बोलते हैं कि दिस हेज हेल्प मी इन सच अ वे इन सम वे आई थिंक वॉचिंग दैट पर्टिकुलर बिट द द तथा होल शो अनलॉकड सम लेवल ऑफ मी दैट वर यू नो आई वॉज नेग्लेक्टिंग और आई वॉज नॉट लुकिंग एट एंड बिकॉज ही वॉज डूइंग इट सो आई फाउंड अ वे ऑफ यू नो अनलॉकिंग दो थिंग्स थ्रू हिम दैट वॉज शेयर जीनियस डायरेक्टली आई थिंक इज बॉर्न विद उनकी और कोई नहीं कर सकता ये ट्रू uh, मैं जैसे कि जब कॉमेडी कंज्यूम करने की बात आती है मुझे ना छोटे जो छोटे फॉर्मेट्स, यू नो प्र थाट्स बेस्ट कॉमेडी बहुत पसंद hmm. है मिच हेटबर्ग टाइप के या तो फिर लुइस सी के टाइप um, के अभिषेक उपम्यू अभिषेक बट उनका अगर थेरेपी वाला बिट अगर स्टोरी। राइट ब्रिलियंट मुझे नहीं लगता इंडियन कॉमेडी हिस्ट्री में hmm. मुझे नहीं लगता वैसा बिट लिखा गया है hmm. और आगे कितने सालों तक लिखा जाएगा मुझे नहीं पता मुझे तो लगता है वो दिस इज आई सीन अ लॉर्ड ऑफ कॉमेडी वो मुझे वो बिट सबसे ज्यादा रिलेटेबल सबसे ज्यादा फनी लगी है बिकॉज आईव गॉन थ्रू दैट so maybe relatability factor hmm. hai, but that is sheer genius if you have not seen that bit ha unka health and anxiety pe hai ek bit health and anxiety dekha hai maine ha such genius bit man ki main genius gym jana story. shuru karunga ha wo dekha hai na story that story telling so wahi baat hai wow hmm. so uh, कोई भी तुम बढ़िया स्पीच देख लो कोई भी कुछ भी बढ़िया पॉडकास्ट देख लो कुछ भी स्टोरी टेलिंग ही है मतलब बेस तो उसका जो फंडामेंटल्स uh, है दैट इज स्टोरी एंड इफ़ आई टॉक अबाउट परसे योर कॉमेडी प्रोसेस सो हाउ डू यू लाइक सेलेक्ट दीज स्टोरीज कि मैं इस स्टोरी के बारे में बात करूँगा दिस स्टोरी हैज समस्टेंस या फिर इज इट ऑल इन योर हैड दैट यू थिंक और इज इट जस्ट एक्सपीरियंस थ्रू लाइफ लाइक आई थिंक आई एम गेटिंग इन टूट डिटेल्स ऑफ और द जो कॉमेडी की कैटेगरीज होती है ना दि इज एनेक्ट डोटल द इज एक्सपेरिमेंटल देर इज इम्प्रोव सो वॉट इज योर स्टाइल और वॉट डू यू वॉन्ट स्टाइल टू बी वेल आई थिंक कि मेरा कोई एक्सएक् स्टाइल है नहीं hmm. uh, मैं बीच बीच में डार्क जोक्स भी कर देता हूँ hmm. बीच में पोलिटिकल भी कर देता हूँ वॉट एवर आई हैव रेड और वॉट एवर फ्रस्ट्रेट्स मी वॉट मेक्स मी एम ए वेरी एक चीज है जो आई थिंक विच डिफर्स मी फ्रॉम माई कॉलीग्स और माई पीयर्स कॉमेडी में नहीं इन जनरल की एम ए वेरी क्यूरियस इंडिविजुअल मेरे को चुल बहुत है नॉलेज की कोई भी रैंडम चीजों की hmm. Uh, मैंने पूरा लास्ट ईयर पढ़ने में गुजार दिया वियतनाम वॉर कोरियन वॉर द होल नाजी का वो hmm. कि कैसे करके उन्होंने पॉडकास्ट आल्सो कि हाउ कम्युनिज्म कैपिटलिज्म वो आया मैंने पूरा वो क्योंकि मेरे को चुल थी ठीक है तो ऐसे तो मेरे को उससे फिर मुझे लगता है एक कुछ महीने बाद उससे भी कुछ ना कुछ मटेरियल आ जाएगा मेरा बट एज आई सेड आई एम अ लेजी hmm. artist. <laughs> I don't work hard and I'm very shameful about it. हाँ. Uh, comedy लिखता नहीं हूं मैं तो मेरे दिमाग में कुछ भी आ जाता है I roll back. वो चला जाता है फिर मेरे direct punch type का कुछ आ जाता है हाँ. हाँ. and then I roll back. हाँ. ठीक है जैसे कि मोहित आया हाँ. फिर मैंने रोल बैक किया वो वहाँ पे एक स्टोरी बनाई हाँ. फिर मैंने इट हैपेंड डॉट्स जॉइन करके ऐसा हाँ. वो किसी पे भी, भी हो सकता है I have jokes on geopolitics also. Yeah. I have jokes on tatti also. <laughs> uh. So, uh, I don't want to have a niche niche. But yeah, I don't think I'm talking about things that ideally I would like to. Okay. Because of my skill issue. Hmm. I don't think I'm that skilled right now. Hmm. Um, because of the very fact that I have not put myself into uh, those kind of situation where my, you know, skills would be tested. Hmm. Or I have...

I'm 38. 38. लगता नहीं <laughs> ना, बिल्कुल नहीं सो आई वॉज आस्किंग दिस बिकॉज आई फाइंड दिस रियली रियली गुड अबाउट यू दैट यू आर सो मच सेल्फ अवेयर दैट यू स्टिल एट थर्टी एट बिकॉज हम एक टाइम आफ्टर सर्टन इथ यू डोंट यू कांट लर्न बट यू आर स्टिल सो सेल्फ अवेयर दट यू आर लाइक कि मेरे को अभी ये सीखना है एंड आई एम नॉट स्किल्ड इनफ सो आई 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 वड कॉम्प्लीमेंट यू ऑन दिस थैंक्स यू हाँ क्योंकि दिस इज समथिंग दट आई विल

और मोस्ट ऑफ दी पीपल हु आर क्रिएटिंग कॉन्टेंट और मे बी एम जनरलाइजिंग आई डोंट नो वेल मुझे जो नॉलेज के हिसाब से आई थिंक योर ब्रेन इज वेरी मेलबल वेन योर इट इज वेरी फ्लेक्सीबल पच्चीस तीस के बाद से वो फ्लेक्सीबिलिटी क्योंकि यार in life, then, evolutionary, हम चालीस वालीस साल तक ही उसके बाद जीने का कोई पॉइंट वॉइंट है नहीं हुँ. क्योंकि वो तब टीन एज पे अब हम मैं इसका एवोल्यूशनरी जो मैंने पढ़ा है मैं वो लेके जा रहा हूँ कि फिर मैं खुद पे आता हूँ सत्रह अठारह सालों पे पीपल यूज टू प्रो एंड ऑल दैट यू नो देन वो डैड वॉर्ड इसलिए आने लगता है कि यू स्टॉप सीकिंग सेक्स एंड यू बच्चे बच्चे पालने में एंड फोर्टीज़ फिफ्टीज़ में लोग मर जाते थे जो और पहले मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था तुम ये कुछ भी कर रहे हो अचानक से पीछे से कुत्ता है तो उन्हें गाँट तोड़ा खा गया मर गए तुम <laughs> है ना तो आजकल वो नहीं है सोसाइटी uh, में बट वी आर स्टिल द सेम प्रीहिस्टोरिक बस अभी स्टिमुलस अलग हो गया है न uh, और ईगो जो है हमेशा ईगो इज इट मेक्स यू सर्वाइव एज वेल बट ईगो और लर्निंग ये दोनों बहुत ऑक्सीमोरॉनिक चीज है hmm. जब तक आपका ईगो आपको डोमिनेट करेगा तू तू ज़्यादा ज़्यादा जो ये वो करके सो so, uh, वही आपका डिक्लाइन चालू एंड ब्रेन तो वैसे भी डिक्लाइन होने लगता है ब्रेन डिक्लाइन का आप अगर आप क्यूरियस हो तो फिर आप चीजें सीखोगे एंड ऑल दैट फिर भी एक लेवल आ जाता है रुकने का. Very very सीखना वेरी डिफिकल्ट बट इट्स अ नेसेसरी ईविल अदरवाइज यू डिक्लाइन यू विल फॉल इन टू पैटर्न एंड प्रोग्राम्स विद सोसाइटी

तो बट दैट्स अ वेरी यू नो लॉन्ग टर्म इज अ वेरी डेंजरस थिंग टू डू कुछ भी करो क्योंकि वर्क एथिक ऐसी चीज है वो आप कुछ भी कर लो वो चाहिए ही वो तो बेसिक hmm. चीज़ है क्रिएटिविटी में भी चाहिए वो मेरे को रियलाइजेशन थर्टीज के बाद आनी चालू हुई hmm. कि यार साला मेरे को एक्चुअली में कुछ नहीं आता है आई वॉन्ट फकिंग नो वन एंड वेन आई लुक बैक एट माई चेंजिंग डिस लॉजिक बेस्ड कुछ नहीं था उसमें मैं अपने आपको इतना चाणक्य का चौदह समझ रहा था कोई लॉजिक नहीं था उसमें ऑल वेर इमोशनल मोस्ट ऑफ माई डिसीजन इमोशनल फार साइटेड थी ही नहीं उसमें वेरी मायोपिक वेरी इम्पल्सिव आई एम स्टिल एन इम्पल्सिव पर्सन वेरी मायोपिक वेरी इम्पल्सिव मैं किस बात कितना स्मार्ट समझ रहा था मुझे फिर एक्चुअली मेरे ज्यादातर लोग हम बेवकूफ ही हैं सो यू गेट हम्बल्ड यू गेट हम्बल यू हैव टू अदरवाइज हम्बलनेस के और तरीके हैं इससे बढ़िया आप खुद पे ही कर लो वो हम्बल हो जाओगे बिलो एवरेज एवरेज कमेडियन मैं जेन्यूनिश बात को मानता हूँ एंड इफ आई टॉक अबाउट सेन सेल्फ अवेयरनेस ऑल्सो स्टॉप यू फ्रॉम आई वोट सो स्टॉप यू कैन सेल्फ अवेयरनेस ऑल्सोरेट यूर

back Assam. Assam. How is life here? Like if you compare, like what is good about it, what is bad about it? जब मैं आसाम में होता हूँ तो मैं गुड़गांव के बारे में बिच करता हूँ हाँ. <laughs> जब मैं गुड़गांव में होता हूँ तो अपने गांव के बारे में बिच करता हूँ कि यार वहाँ तो कुछ नहीं है, है. तो यहाँ पे गुड़गांव में रह के मैं थोड़ा कंफर्टेबल ज़्यादा हो गया हूँ कट कट कर रहा हूँ आ जा रहा है जोमेटो है रात को बारह बजे क्या प्लान, तो तो आ, क्या प्लान है रात का पड़ा है क्या प्लान है रात कुछ, कुछ मीठा हो जाए वाइप कर दे रहे हैं कुछ भी <laughs> कोविड तक मेरे गांव में जीपे नहीं यूज होता था लेकिन मेरे को तो गुड़गांव की आदत थी तो मैं कैश लेके ही नहीं घूमता था उसके बाद लाइफ इज वेरी सिंपल अब नहीं है तब टू में लाइफ इज वेरी सिंपल वेरी नाइस पीपल एनी वन ऑडियंस में आसाम विजिट करना चाहो प्लीज करो बहुत ही प्यारी जगह है बहुत सिंपल लोग हैं लोग जो बंगाली एसमीस जो भी हुँ। रहते हुआ बहुत सिंपल लोग हैं बहुत सुंदर जगह है पीस तो गारंटीड है कुछ Peace मिले ना मिले हाँ। पीस गारंटीड है गुवाहाटी में नहीं मिलेगा पीस अच्छा गुवाहाटी इज अ सिटी कमर्शलाइज हो गया कमर्शलाइज हो गया है वहाँ कैपिटलिज्म पहुंच चुका है एयरपोर्ट पे उतरोगे तो मैं दिख जाएगा कम कैपिटलिज्म इन अनदर लैंग्वेज है ना लैंग्वेज थोड़ी स्वीट है की तो बट अपर आप जाओ इतने प्यारे लोग वेल रेड पीपल नाइस पीपल यू नो अगेन बताए दिस इज वॉट आई वॉज कमिंग टू वेन वर टॉकिंग अबाउट घोस्ट राइट और आपने बोला पीपल आर वेल रेड दैट इज सच अ

<laughs> नहीं नहीं, नहीं, नहीं दिस इज़ हाउ आर वर्जिनिटी दिस इज दे कहाँ हैं तब तो गूगल मैप से इतना कुछ था नहीं स्मार्टफोन ही कहाँ ही था कॉलेज में मेरे कॉलेज में यू नो पोस्ट बूमर मिलेनियल <laughs> कॉलेज में नहीं था ये सब तो हमने एड्रेस वेड्रेस ढूंढ पता नहीं चला गूगल वूगल पे कि भाई क्या है कब गूगल सर्च इसने होते नहीं थे मैंगलैंड के बारे में फिर बाद में पता जैसा कुछ नहीं है लड़के वहाँ जाके फूक फूक क्या है मांगाए जो है वेरी अंडरग्राउंड है वहाँ तक आपको एक्सेस नहीं है

कि काला जादू करके एसएसआर बेचारा इतना बंगाली लड़कियों को बदनाम कर दिया था वो उसके चक्कर में नॉर्थ में तो बहुत ज्यादा पंजाबी लोगों में बहुत ज्यादा है कि बंगाली लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में था ना वो काला जादू करके कर कर आउट नाउ बिकॉज़ बंगाली लड़के देख ही रहो तुम है एवरी ह्यूमन बीइंग इज देयर नेक्स्ट जीन्स टू बी बींगी <laughs> तो आई थिंक इट्स जस्ट इनसिक्योर्ड बंगो में जो फैलाया है uh, uh, ताकि प्रोग्राम you know, uh, करके हम रखे yeah. yeah. yeah, <laughs> बट मतलब आई uh, um, think uh, ये स्टीरियोटाइप हैं हाँ. uh, बंगाली डॉक्टर हाँ, बंगाली, दवा खाना. बंगाली अरे दवार, दवार, बंगाल में दिन के चार मेडिकल कॉलेजेस हैं सर

नहीं है बिल्कुल, बिल्कुल नहीं।, नहीं। मेरे घर के पास ही चाय बगान है हाँ। और मैंने चाय बगान से चाय तोड़ के घर में बनाई है इतनी जहर टाइप बनी क्योंकि बीच में प्रोसेसिंग भी करनी होती है <laughs> चाय की। <laughs> आप घर से के बगान में गया मैं ट्वेल्थ में ही था इतना सारा लाया घर पे बॉईल करके पिया साक्षात जहर <laughs> तो मुझे क्या पता था प्रोसेसिंग के बारे में मैं एक किलोमीटर और आगे चला था तो पता चल जाता फैक्ट्री वहीं थी <laughs> अभी मैं गया थोड़े दिन पहले मैंने प्यार से देखी फैक्ट्री कैसे होती कैसी प्रोसेसिंग होती है लेकिन अच्छी चाय जो है ना ऑसम वाली टी जो लेवल वन चाय वो चली जाती बाहर <laughs> वो जाती है कभी पी तो है मैंने आई एम अ चाय लवर सो रिसेंटली अभी मैं कॉफ़ी लवर बना हूँ बट बहुत प्यारी दार्जिलिंग टी भी बहुत फाड़ू बट मैं आसाम से हूँ तो हुँ, आसाम चाय मुझे तो बेस्ट ही लगती है कौन सा अगर मैं बात करूँ कौन सा ब्रांड यहाँ पे इज इक्वल टू आसाम चाय नो ब्रांड नो ब्रांड नो ब्रांड किसी ऐसे में इसके घर में जाओ जो गुवाहाटी से अभी वापस आया है अगर कुछ लेके आया तो उसके घर में पी लेना चाय उस चाय पॉइंट uh, नहीं नो आई डोंट थिंक सो दैट आई मीन मुझे तो लगता है वो ज़्यादा ही प्रोसेस्ड जहाँ पे एसी में लोग लैपटॉप खोल के चाय डेढ़ सौ रुपए की चाय हाँ आ, तो आई डोंट थिंक वो जेनुइन होगा आ, मैं गया हूँ ऑल ऑल दिस सेक्सी कैफेज यू नो एक तो मैं तो हम परफॉर्म करते थे तो हमको सारा वो था तो आई हैव लॉस्ट माय वो जो पहले बना हुआ था ना कि भाई यहाँ की कॉफ़ी पेंगे हाँ। ये वो करके अमेरिकानो पुचिकानो क्या हाँ। दुनिया भर के स्पेनिश टाइप नाम इटालियन नाम रख दिया मेरे टेस्ट सब का एक जैसे ही रखता है वो सुना टॉल लाटे वाला जोक सुना नहीं नहीं टॉल आटा जोक सुनाता हूँ मैं आपको तो एक बंदा गुड़ मान लेते हैं फरदाबाद में स्टारबक्स खोला एक बंदा फरदाबाद स्टारबक्स जाना चाहता है ठीक है उसने ऑर्डर रिवाइज़ करा पहले इंग्लिश बोलनी होती है वहाँ जाके नहीं हाँ। आती उस बेचारे को हाँ। रिवाइज कर रहा है कहना है वह टॉल लाटे कहना है वह टॉल लाटे कहना है वह टॉल लाटे लाइन में खड़ा है वो बरिश्ता बात कर रही है आगे वाले कस्टमर से वो और फट रही है उसकी वो इंग्लिश में बात करें इंग्लिश में ऑर्डर दे रहे हैं लोग कहना है वह टॉल लाटे कहना है वह टॉल लाटे उसकी बारी आती है क्या नव लाल टटे ब्रो अगर कोई दे देता उसे लाल सच में ओ शिट आई एम वंडरिंग किसी ने सर्व कर दिया उसको ओह शिट ब्रो ये गिनो गरम पानी में डुबा दिया गोरा सा आदमी था पहले ब्लू अब लाल हो गया आई एम श्योर हम तीनों के तो नहीं होंगे ला तो तो ये नो ये जो कॉफी वॉफी का इतना है तो पहले तो बड़ा फैसिनेशन था जब मेरे कॉलेज के पास पहला सी सी खुला था गुवाहाटी का पहला सी था जी रोड बोल के एक जगह है वहाँ और एक मेरे कॉलेज के सामने उसका नाम है दिघुली पुखरी वो उस जगह का नाम है लेक है वो बहुत प्यारी सी वो है हमारे गुवाहाटी का डेटिंग प्लेस उसके बगल में ही खुला सी सी और सी खुला तो मैं ट्यूशन पढ़ा के अपना वो निकालता था तो मैंने ट्यूशन के फीस बढ़ा दिए थे कि भाई सौ रुपये देते थे तब दो सौ रुपये दोगे

हम <laughs> तो पचास पचास का नोट था मेरे पास uh. उसके पर्स में लकीली पाँच का था वो एक रुपए हमने वेट्रेस को <laughs> निकल गया बट तब की बात है तब पी के मेरे को डाउट तो हुआ था कि इतना क्यों है मतलब mm. अच्छी है ऑफ कोर्स mm. अच्छी है नेस तो अच्छी है बट क्यों है ऐसा बट देन आई दिस आर मार्केट डायनामिक्स वर्क यू आर बिग सकर्स फॉर बिग ब्रांड्स एंड प्लस दे आर चार्जिंग फॉर द में में जाओ आई कॉफी कॉफी की खुशबू सब कुछ ले लो तो फिर आके सर्व कर रहा है लेकिन <laughs> बेस्ट कॉफी जो मैंने पी है वो दो जगह पी है एक तो चेन्नई में फिल्टर कॉफी जब फिल्टर कॉफी इतना फेमस नहीं हुआ था इंडिया फिल्टर कॉफी फिल्टर कॉफी वो मैंने तेरह या चौदह रुपए की एक सुबह वड़ा के साथ में लेता था बेस्ट चेनुन ओहो दूध भी बहुत प्यारी होती है

ठीक है कंडेंस मिल जाता है बहुत मीठा हो जाता है लेकिन कॉफी उनकी जेनविन इतनी होती है ना टेस्ट बड़ा प्यारा आता है लेकिन आइस दुनिया भर का तो उसको धीरे धीरे पीना पड़ता है ये जब तक आप ऑर्डर करोगे जब तक घर से आएगा वो आइस घुल के पता नहीं <laughs> अब पे नहीं अब पे है है तो वाली घुलिग्रीज में बेचारा वो आ रहा है गोल्फ कोस्ट रोड में बाइक चला के तो होएगा ही ना फिर वियतनामीज कॉफी फिर अमेरिकन कॉफी बन जाए नो वॉर या बट वहाँ पे बहुत टाइप के वहां पे एक कॉफी है हनोई में आ, आ, गैप कैपिटल ऑफ वियतनाम वहाँ पे एक कॉफी उसका नाम होता है एक कॉफी uh -huh. कॉफी में अंडा डाल देते हैं वो लोग इट इज सच अमेजिंग ग्रैनुलर टेस्ट आता है उसका और इतना प्यारा इतना प्यारा क्या बताऊँ कितना प्यारा मैंने रिसेंटली वो मैंने बियर्ड कॉम्बिनेशन में बतायाटो विच इज एसप्रेसो का शॉट उसके ऊपर वनीला आइसक्रीम और धीरे धीरे वीला आइसक्रीम मेल्ट होती है और वो उसमें टेस्ट आ जाता है अंडा इन कॉफी इज जस्ट ओ भाई इट uh, यहाँ पे मत कभी ah. जाओ वहाँ पे <laughs> तो इट्स अ वेरी चीप कंट्री मतलब चीप से मेरा मतलब है कि uh, वो इन hmm. बहुत प्यारे लोग बहुत प्यारी जगह तो, हाँ बस वियतनाम हाँ एक्सपीरियंस मज़ा आ गया अब मैं दो बार जाके आ गया क्योंकि मेरे बजट में तो यही हो पाएगा तो आईड लाइक टू गो अगेन मेरी बीवी बोलती है पागल हो गए तुम <laughs> एक ही जगह चार मेरी आदत है वैसे पता है जैसे कि मैं एक चीज मुझे अच्छी लगी ये मेरे मा... साथ भी है। कि मैं मैं, it out. हाँ, मैं <laughs> मैं मैं तीन बार और तुम्हारे <laughs> 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 आओ, <कभी> भी आओ। <laughs> <laughs> मुझे कोई अच्छी लगी हाँ। मैं बार बार उस जगह विद प्लेसेस पीपल जैसे कि मुझे हिमाचल बहुत पसंद है हिमाचल जाता रहता हूँ मैं खुद पहाड़ से हूँ बट mm. mm. मेरे को हिमाचल बहुत पसंद तो हिमाचल जाता बट डू यू लाइक ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स इज अ पार्ट इन मी दैट वॉन्ट्स टू ट्राई आउट न्यू थिंग्स बट देर इज अ पार्ट इन मी विच यू नो बिकॉज इमोशनल वो है ना कि पहली बार जाके जैसे कि मेरे को पहली बार वियतनाम जाके बहुत मजा आया था दूसरे बार जाते मेरे को इतना मजा नहीं आया बट समझ हो बटिया मैं bad. थोड़ा ना मुझे लगता है मैं नोस्ट्रेलिया में ही जीता हूँ मेरी कॉमेडी भी वैसी है बेकार मेरे वो अंडरटेकर वाले वीडियो निकाली मेरे को पसंद है वो हाँ बट वही है कि मेरे को वो फेज अपना लाइफ का इतना पसंद है और जो मेरी फ्रस्ट्रेशन होती चला ये आ ही नहीं रहा है क्रिकेट तब की मूवीज यू नो मिथुन की मूवीज देख रहा हूँ मैं शाहरुख खान दो लीटर खून निकाल दे रहा है गोलियां <laughs> नहीं खत्म हो रही एक पिस्टल में अभी भी 90s की मूवीज क्रोथ देखी मैंने परसों सुनील शेट्टी की इसमें पांच बहनें होती हैं मैंने देखी हां देखना भाई मजा आ जाएगा आ। तो उस टाइप के नॉस्टैल्जिया जीता ही उसी में होगी कि वो टाइम mm -hmm. चला गया वो अच्छा टाइम था mm -hmm. आ, ऐसा नहीं कि अभी मेरी जिंदगी खराब बट यू नो आई हैड मेमोरीज बिकॉज़ आई वाज़ टॉकिंग अबाउट दिस एज़ आई कुड रिलेट टू कि आई आल्सो डोंट ट्राई मतलब आई लाइक गोइंग टू प्लेसेस दैट आई नो आई डोंट वांट टू यू नो टेक अ

वो आ, मैं और वहाँ पे वहाँ की एक अंकिता घोषणा की कम कॉमिक है वियतनाम है इंडियन बंगालन है वहाँ पे वहाँ पूरा फुल कॉमेडी चला रही है अपना इंग्लिश में करती है कॉमेडी वो तो हमने हिंदी शो रखा वहाँ पे राइट कमर्शियली डेंट मेक सेंस ऑनेस्टली बिकॉज फ्लाइट ही बढ़ती होंगे पंद्रह हज़ार के लिए मेरे को फिर दो वीजा में लगते हैं तो मुझे पता था कॉस्ट तो रिकवर नहीं होगी बट मेरे को इंटरनेशनली करना था एक मैंने उससे पहले ओपन माइक किया था मेरे को बहुत मजा आया वहाँ पे वियतनाम में, में में ओपन माइक किया था इंटरनेशनल ऑडियंस के बीच में में इंग्लिश में. आ, वो जियो पॉलिटिक्स कर दी थी कॉमेडी आई डिड वेल तो मेरे को मजा आया एंड मुझे लगता अच्छा है बाहर लोग कॉमेडी अप्रिशिएट मतलब आर्ट को अप्रिशिएट अच्छा से करते हैं यहाँ पर नहीं पैच जोक सुना वाला सीन hmm. तो आ, देन वो साइगोन में था अगले दिन में डलैट नाम की जगह वहाँ निकल गया बस ली वहाँ पर वियतनाम बहुत प्यारी बसेस होती है भाई उनकी बस लेके मैं डलैट पहुँचा एंड बहुत ही सुंदर जगह एंड वहाँ से ना नटरैंग नाम एक एक जगह है वो बीची सेक्सी सिटी पार्टी एंड ऑल दैट डलैट पे मैं एक्सप्लोर वक्सप्लोर किया डेलैट में थोड़ा बोर सा हो गया ठीक है एंड वहाँ स्कूटी ले ली थी मैंने वो एंड बहुत ही प्यारी जगह फिर वहाँ से ताकि मैं पहाड़ पहाड़ी रास्ते के थ्रू नटरैंग जाऊँगा नटरैंग से साइगॉन की फ्लाइट लेके वापस चला जाऊंगा ठीक है अब नई नई जगह मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ इट मेरे को मजा आ रहा है लेकिन मैं अकेले बोर भी हो रहा हूँ hmm. और मैं कतई बोर हुआ <laughs> <laughs> मैं इतना बोर हुआ मैं नटरैंग गया ही नहीं <laughs> uh. मैंने बोला नहीं मेरे को साइगॉन जाना मेरे दोस्तों के साथ चिल करना है uh. मैंने फिर अंकिता को फोन किया कि मैं आ रहा हूँ मैं बोर हो गया हूँ यहाँ पे आई वेंट देर मैं उसी हॉस्टल में रुका जहां से मैं निकला था बेकार सा हॉस्टल था लेकिन फैमिली when perucca then so uh, it's a mix how is a mix for हाँ. me i push myself for hmm. new experiences because that's how we grow exactly that is what i was trying i am trying but to but that push is very painful so i hmm. avoid it as much as i can hmm. familiarity and that gives us an insight about human hmm. behavior also ki familiar tabhi bolte hai relatable cheeze familiar cheeze logo ko kyun hum jo ye londa londi hote hai hum date dekhna tum 20s mein dating waiting karke idhar udhar machayenge bajayenge

घर पे जो और पाँच सौ तुम्हे कैसे पता ट्रू सो इट्स अ डेटा इंटरप्रिटेशन दैट वी डू कि hmm. ये ऐसा है तो ऐसे ही होता होगा वहाँ पे hmm. हाँ वहाँ पे लाइक like कल्चर है कि यू नो यू मूव आउट इवेंचुअली यू नो यू फाइंड योर ओन सो डू वी राइट तो वहाँ पे कैपिटलिज्म थोड़ा पहले आ गया था <laughs> हम है ना पहुँच रहा है हम तक अभी पहुँच रहा है uh. सो ये है फैमिली यूनियन ये सब hmm. जो है वो एक सोसाइटी के कल्चर क्या बोलते हैं मुझे एक सोसाइटी के

मैं उसको ओपिनियन सीरियसली लेता ही नहीं प्रोग्राम hmm. होके आया और कॉन्फर्मेशन hmm. इतने कन्विक्शन से टट्टी बात करेंगे एज <laughs> uh. तो, um, होने के बाद आए हैव स्टार्ट मैं बचपन से ट्रैवल इसलिए करता था कि पापा की पोस्टिंग आवा में थे जब पोस्टिंग वोस्टिंग होती थी एंड आई यूस टू ट्रैवल कंट्री में पूरी घूम चुका हूँ so, सो जो जनरल स्टीरियो टाइप है मुझे पता ज्यादा तो स्टीरियोटाइप्स बकवास है ही नहीं ऐसा कुछ hmm. तो मेरा लोकस ऑफ कंट्रोल या जो मेरा फोकस ग्रुप है वो दे भारत भारतवर्ष है hmm. मैं लास्ट ईयर पहली बार नेपाल नेपाल गया था मैं बट लाइक फॉरेन फॉरेन की बात करूं तो वो वियतनाम ही गया हूँ hmm. मैं और साइड के बॉर्डर वाला कंट्री जो है मोस्ट ऑफ अस आर द सेम पीपल यू नो एक लेवल पे कल्चरल hmm. डिफरेंसेस बहुत सारे होते हैं बिकॉज hmm. मैं uh, 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 एक चीज़ मेरे को एक्सपोजर यह है कि आई हैव वर्क वाइज आई वाज मोस्टली इन्वॉल्व विद ग्लोबल टीम्स मेरे कुछ स्टेक होल्डर्स अमेरिकन हैं कुछ जर्मन हैं कुछ ब्रिटिश ज्यादातर ब्रिटिश लोग हैं कुछ साउथ मेरा मैनेजर जो था वो साउथ अफ्रीकन था आई विद ऑस्ट्रेलियंस आई वर्ट विद एशिया पैसिफिक वाले लोग जो हैं चाइनीज हॉगकॉन्ग जैपनीज के लोग बहुत डिफरेंसेस भी हैं ज़्यादातर सिमिलैरिटीज हैं वर्क एथिक किसका सबसे अच्छा है दैट डिपेंड्स व्हाट डू यू मीन बाय एथिक हम मैंने ये देखा एजियंस एजियंस में आप हमारी बात भी कर hmm. हम काम को हमारे में कॉम्प्लेक्स इतना है इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स कि हम काम जो है ना हमारा उसी को दुनिया मान लेते हैं अपनी और आउटवर्क करने में बिलीव करते हैं एज अ सोसाइटी हम सोलह घंटे काम करेंगे चौदह घंटे घंटों से हम मेजर कर रहे हैं अपने काम का इम्पैक्ट ये मैंने हॉन्गकॉन्ग चाइनीज़ लोगों में बहुत देखा है जापानीज लोगों में बहुत है हम इन जनरल आई थिंक वी इंडियन सारा हार्ड वर्किंग सोसाइटी लेकिन हमें हराम खुर लोग भी बहुत हैं जो काम नहीं करते बट मुझे लगता है हम इंडियंस ये एडिट आउट भी कर सकते हो भाई मुझे लात नहीं खा हम इंडियंस भी बहुत मेहनती हैं

तो वैसे ही हम तीन चार सौ साल प्रोग्राम हो गए तो यही नॉर्म बन गया अब oh. तुम देखो मैंने ब्रिट्स के साथ यह देखा है अमेरिकन का तो नहीं ब्रिट्स के साथ तो ये जनर, जनरली देखा है छ बज गए खत्म दुकान खत्म लैपटॉप बंद बाय बाय मतलब बाय बट वो फिर दस से वो सीरियसली काम करेंगे hmm. बड़े स्टेक होल्डर्स जो होते हैं hmm. जो एक डिपार्टमेंट चला रहे हैं जो हेड्स हैं दे दे हैव हैव टू टू बी बी ऑलवेज वर्किंग राइट बिकॉज उनकी जॉब डिमांड करती है वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है उनका hmm. और होना भी लग, उनके से। hmm. क्योंकि नहीं चाहिए तो uh, hmm. to, well. hmm. मुझे क्योंकि hmm. उनके घर पर नहीं है ना वो मेड दीदी नहीं आएगी उनके घर वो खुद ही करना है सब कुछ पर्सनल लाइफ को भी वो लोग लो वैल्यू करते हैं चार काम तो

Okay. कुछ अचीवमेंट थी झाट भर का कुछ उखाड़ा नहीं था <laughs> घमंड बहुत mm. तो लाइफ ने मेरे को पीट पीट के आई like, so no, no, ah. uh, थिंक को. uh, कोई पैसे वाले घर से भी नहीं आता हूँ इन असाम पीपल आर वेरी डाउन टू अर्थ इफ यू गो ऊपर वेरी हार्ड वर्किंग मैं घमंडी था मुझे लगता था मेरा जन्म ही हुआ है कुछ स्पेशल काम करने को और दिस ये वर्किंग इन ऑड जॉब्स इज बिन मी oh. तो मैं काम भी नहीं करता था मैं यहाँ बाप मरमर -मर के <laughs> 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 बेचारा मेरे माय फादर हैड वेरी स्ट्रॉन्ग वर्क है ठीक है कि लाइक ऑफिस जाते थे ऑफिस से आते थे छुट्टी वुट्टी नहीं लेते थे मेडल सरकारी नौकरी में उन्होंने मेडल वेडल जीते हुए तो एंड ही वॉज़ वेरी हार्ड वर्किंग मैन मैं नहीं था कभी भी वो आई थिंक आई हैड पोटेंशियल पोटेंशियल घमंड होता है ना तो मैं बहुत एंटाइटल था कि क्यों काम करूँ मैं बाईस साल का तो हूँ अपना खर्चा निकालने लिए ट्यूशन व्यूशन करा पॉकेट मनी भी नहीं मिल रही है मन ही मन स्ट्रगल करे जा रहे हैं और मुझे लगता था कि आई एम एंटाइटल कि मेरे साथ 28 में ये हो जाएगा 30 में ये हो जाएगा मैं तो

फिर चीज़ें इक्वेट करके ने के बाद एक्सपीरियंस कर, कि ज़्यादातर चीज़ें मीनिंगलेस ही हैं यू नो ज़्यादातर चीज़ों की कोई मीनिंग नहीं है इस आपके लिए क्या मीनिंगफुल है hmm. मेरे लिए जैसे मीनिंगफुल है कि वन थिंग आई नो कि मैं क्यूरियस शायद हमेशा ही रहूँ देट इज सच एन हैव मतलब आई वु मतलब आई सर्टनली आई एम बिल्डिंग टू दैट ट्रेट बट आई वुड वॉन्ट दैट ट्रेट इन मी

राइट <laughs> right, तो मुझे लग मुझे कभी कभी लगता है इट गेट्स इन माय प्रोडक्टिविटी एज वेल गेट्स इन द वे ऑफ़ माय प्रोडक्टिविटी एज वेल की मैं किसी बिट पे काम कर रहा हूँ किसी रिपोर्ट पे काम कर रहा हूँ मेरा दिमाग यहाँ कि भाई ये जो टाइम डायलेशन है इसका फ्लो के साथ क्या लेना देना है मैं फ्लो स्टेट में भी मैं टाइम डायलेट कर देना हूँ शायद से तो मैं वो फ्लो बुक खोल लूँगा उसमें ढूँढूँगा तो पूरा दिन भर फिर उसी में लगा रहूँगा मैं फिर टाइम डायलेशन के चार वीडियोज़ देख लूँगा मैनेजर शाम को जो रिपोर्ट का है वो डायलेट हो गई सो ऑन वन हैंड आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स लाइक फ्लो स्टेट पे टाइम का पता नहीं चलता ग्रेविटी जब इधर उधर टाइम डायलेट हो जाता है like, <laughs> इससे क्या हुआ मैं डांट खाया शाम को कंपनी <laughs> हिट हो गई तो uh, so, uh, वही चीज़ें है तो आई थिंक इट गेट्स इट्स टू फाइंड द राइट बैलेंस My bits also, hmm. right? कि मैं इस बारे में बिट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी मैं सोच रहा था कि, you know, एक बिट मैं लिख रहा हूँ hmm. घूम रहा था hmm. और इट वॉज hmm. हम लोग जब घूम 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 रहे थे इट्स माइंड ऑन बट नहीं मेरे को आ, क्या कहते हैं निक्सन ने वियतनाम में क्या किया था उसमें इंटरेस्ट आ गया है

वो अंकल जी बच्चा करके जाते हैं ना हाँ। क्या पता यार मैं गोल्फ को पे हाँ। बैठता हूँ हाँ। सारे अमीर को निकलते हैं अपनी वो, हाँ, ओडी के। के, ओड़ी, ओड़ी। ओड़ी भाई प्लोट भी हाँ। भाई चला जाता हूँ यार वो पैसे बचाने के लिए उबर मोटो कर लेता ठीक है और मैंने बंद किया आजकल करना उबर मोटो कर दोस्त इधर उधर रहता तो मैं गया था तो मेरा अगला यूट्यूब वीडियो तो गया था

You know, actually spending time with the meaningful things and things that matter to you, you want to do. Well, things that matter. Like, in uh, my uh, 20s, it was for right that shadi will get married right time. In right my 30s, I thought, no, why I, you know... Why me am I pushing it? it. Uh, why am I, like... Hmm. I'm not happy. You know, I bought a house. and all that. Then I stepped back. बिकॉज वो प्रोसीजर ही इतना पेनफुल था एंड ऑल दैट मुझे लगा ये लोग ठीक नहीं है एंड आई सफर्ड अ लॉर्ड घर वालों से मेरी बहुत टाइम बात बात नहीं हुई बनी नहीं you know. time, thought, no, gift, कि यू नो देर दैन आई नो आई हैिफ्ट कि आई एम लिविंग इन डेली आई हैव अ फॉल बैक लोग वैसी जगह जाके पैसे दे के जाके यू नो लेके आ मतलब पीस लेके आ रहे मेरा घर है वहाँ पर ट एम आई प्रूविंग किसको मैं प्रूव करने वाला हूँ मेरा कोई विकीपीडिया तो नहीं आ जाएगा ना hmm. कि भाई क्या बढ़िया असिस्टेंट मैनेजर था hmm. <laughs> क्या बढ़िया एक्सेल बनाता hmm. था तो लेट मी यू नो एक्सप्लोर थिंग्स दैट गिव्स मी रियल जॉय इज कॉमेडी वन ऑफ देम इज हेल्पिंग पीपल विद मेरे को उन चीज मतलब कोई किसी ऑपरेशनल प्रॉब्लम में फंसा हुआ मेरे को उसको हेल्प करने बहुत अच्छा लगता है जैसे okay. कि Some new kid on the block in office, struggling. struggling hmm. she is struggling with how to help उट करने एंड मिला नहीं था अटैच करकेट गिवस मीन इज नॉट आई गाय फील होता है किसी को पाथ पे बता दू बिकॉज यूज नीड I don't आर आई एम You don't think you are? Yeah. I am relatively I am happier. Hmm. But in an absolute scale, do I want to be in this state? No, I am not. not hmm. very What happy. is the pure happiness to you? Blissfulness. Haan, blissfulness. Pure happiness hmm. मुझे नहीं लगा था मैंने कब last feel? Last year when जब मैं वियतनाम घूम रहा था, एक दो जगह मेरे को bliss, blissful काफी लगा था। hmm. जब मैं August में tour कर रहा था, अपना show लेके असम में, बंगाल में कुछ कुछ जगह पे मेरे को प्योर ब्लेस प्योर हैप्पीनेस यू नो जॉय ऑफ़ फीलिंग अलाइव जब मेरी वीडियो चल गई थी लोग मैसेज mm -hmm. कर रहे लिख के भेज रहे तब मेरे mm -hmm. को बहुत हैप्पीनेस फील हुआ था बट अगेन वही ना कि आई थिंक पीपल वुड थिंक कि जैसे गिव एनीवन फॉल्स होप्स क्योंकि इट इज ऑलवेज गिव्स हैप्पीनेस मीनिंग क्योंकि कि इफ़ यू आर अगर स्ट्रेट लाइन है

ठीक है तो मैं चैट जी पी टी पे गया मैंने कुछ मारा एंड ऑल दैट निकाला उसको तुक्के मैंने कुछ चीज ट्राइक कर दी और वह बैठ गई एंड मेरा बहुत घंटों का काम थोड़ी देर में हो गया आ मज़ा ये गया यही हुई ना बात फिर डे बिफोर दैट आई वॉज जस्ट थिंकिंग ऑन अ बिट कि यार इसका ना मेरे को सेगवे नहीं मिला सेगवे इज कॉमेडी में तो एक बिट से दूसरे बेट में दूसरे जाना फ्लो वाइज लोगों को इन बहुत ब्रेक हो गया तो मेरे पास उस दिन ना दो अपॉर्चुनिटीज दो माइक्स थे तो मैं पहले वाले में गया उसमें ट्राई किया वो नहीं चला दूसरे वाले में गया उसमें ट्राई किया चल गया कल मैंने वो चीज़ ट्राई की वो चल गई विच मीन इट हैज पोटेंशियल तो मे बी आई तो मेरे तो 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 को आह मोमेंट आया वो बहुत खुशी होती है सो so, इन w सब चीज़ों से वॉट आर योर नेक्स्ट मूव्स एंड योर एस्परेशन विद योर कॉमेडी परसन टॉक अबाउट कॉमेडी में माई नेक्स्ट मूव वुड बी यू नो स्टोरी टेलिंग रिलेटेड video uh, because no, I would I would really want to see that because I feel with this podcast also I think we have recorded R and so so I would say that you have that skill of Thanks, storytelling man. Thanks, man. that I want to build exactly because again uh, with you you have a certain again I, I talk about modulation but it is far more deeper than that it is an innate skill also which is you tend to hold people when you are talking so I think that is what you should capitalize on.

डड डड हा हा नहीं करना है मेरे को आई एम डन विद दैट बी मोर कंसिस्टेंट एंड डेवलप वर्क एथिक ये मेरे इस साल के एम है कि वर्क एथिक बिल्ड करना तुम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो कॉमेडी करके ना खुद पे कर रहे हो इज जस्ट यू लाइक डूइंग इट बिकॉज़ इट गिव्स यू वैलिडेशन डू इट राइट एंड आल्सो इट इज अ गिफ्ट दैट यू कैन डू कॉमेडी बिकॉज़ आई थिंक लास्ट पॉडकास्ट आई वाज़ टॉकिंग टू सिद्धार्थ ही वाज लाइक दिस इज लाइक अ गिफ्ट दैट आई कैन या आई नाउ आई फील सो प्रिविलेज्ड कितने लोग हैं जो मेरे मैं जहाँ से आया हूँ उस टाइप के बैकग्राउंड से hmm. दिल्ली में अभी गुड़गांव में hmm. गोल्फ कोर्स रोड के पास रह के हैविंग अ जॉब एंड बीइंग कनेक्टेड टू द फनीस्ट पीपल इन द कंट्री कितने लोग के पास ये प्रिविलेज है कि यू you नो know, शाम को फोन किया मैं आ रहा हूँ परफॉर्म करने पाँच मिनट का स्पॉट मिल जाएगा हाँ आ जाओ तो hmm. वाइल अगर अब मैं मेहनत नहीं करूँ आई एम डिसरेस्पेक्टिंग दिस राइट

also context the context नहीं चला context भी plus I feel जो जो time gap है ना between two videos that also matters a lot I think so yeah yeah a I lot so I think so I think uh, that has to be with the uh, like you have to respect the algorithm also to yeah. take back something from respect the, the marketplace because exactly. see uh, I mean we might say ki as an artist hmm. नहीं ना ड्रॉप लेकिन वो बात भी तुम कहना चाहते थे तुमने क्यों हटाया क्योंकि इससे लाफ नहीं आ रहा था तो बोला मैं यही करना नहीं तुमको हंसी चाहिए तुमको वेलीडेशन चाहिए तो फिर करो ना बट एट द सेम टाइम आई डू नॉट व Play to the tunes of what is hot. Hmm. I want to speak about what I feel is right. I feel hmm. is funny, which is meaningful to me, hmm. uh, and to the audience. Hmm. So let's meet midway. Okay, that makes complete sense. Not your way, not my way. We'll Some w somewhat my way because uh, the I mic is mine. I'm holding. Uh, it's my story. Hmm. But at the same time, I respect you guys as well. So hmm. it's not just me, me, me. Hmm. And if people want to like follow you, where they can find you and अपमिंगे जब तक ये टूमारो के डेफिनेशन बदल चुकी होगी बट फॉलो मी ऑन कृष्ण इंदू पॉल कॉमिक इंस्टाग्राम पे यूट्यूब चैनल है कृष्ण इंदू पॉल कॉमेडी आई ट्राई टू रिलीज यू नो बिट प्रॉबलीट रिलीज करूंगा दिस इज अबाउट स्टोरी ऑल्सो अबाउट वो उसके बाद कोशिश रहेगी कि एक और निकालो इस साल hmm. छोटा कंटेंट मैं यू नो सो आई एम डूइंग अ बुक रोज शो ओके एंड आई विल बी डूइंग एन एंटी पॉडकास्ट शो ओके या

सेम मैन <laughs> हम लोग अपना ये कार्टेल क्रिएट कर लेंगे <laughs> <मैं> चार कमेडियंस <laughs> मैं सिद्धार्थ सुधाकर <laughs> नो डाउट एक मैं और <laughs> लेके आऊंगा हमारा हम लोग बनेंगे वो हाइजनबर्ग थैंक यू सो मच फॉलो गुड स्टफ थैंक यू सो मच सब्सक्राइब यू